हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 इशू एंड रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स के क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दो अलग अलग टॉपिक है, जहां पर क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताया जाएगा कि टर्म ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स क्या क्या होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 जो जुड़ा हुआ है वो है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी कि जहाँ पर डिस्काउंट होता है और डिस्काउंट से रिलेटेड जो लॉस होता है उस लॉस को हम किस तरह से रिटर्न अप करते हैं, उसके लिए अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो बताया जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दोनों क्वेश्चन को इजी से देखिएगा आप लास्ट तक, तो समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। और खासकर तो ये मैं बताऊँ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, टर्म्स से रिलेटेड और टर्म वाले भी लॉस है, दोनों इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, सॉल्व करने से पहले हमें क्या देखना होता है, क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, जनरलाइज द फॉलोइंग, जनरलाइज करना मतलब जनरल एंट्री करनी, अलग अलग केस दे रखे, तीन केस दे रखे यहाँ पर। आ डिवेंचर इश्यूड एट 95 रुपीज़, प्रीपेबल एट 100 रुपीज़, मतलब क्या हुआ पता है इसका, कि डिवेंचर डिस्काउंट में इशू हुआ है और पार में रिडीम होना है, अलग अलग केस है। कितने में आया, क्योंकि डिवेंचर जब इशू होता है तभी बता दिया जाता है कि डिवेंचर का पेमेंट कैसे होना है। ठीक है, तो यहाँ पर डिवेंचर इशू हो रहा है 95 रुपीज़ में, लेकिन वापस होना है 100 रुपीज़ में। ठीक है, 5 रुपीज़ का डिस्काउंट है। सेकंड केस, आर डिवेंचर इशूड एट 95 रुपीज़, रीपेबल एट 105 रुपीज़, डिवेंचर इशू हो रहा है डिस्काउंट पर और पेमेंट हो रहा है प्रीमियम पर 5 रुपीज़। आर डिवेंचर इशूड एट 100 रुपीज़, रीपेबल एट 105 रुपीज़, डिवेंचर इशू हो रहा है पार पे जबकि पेमेंट हो रहा है प्रीमियम पे। द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इन ईच ऑफ द अबव केस इज 100, 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू है, 100 से कम हुआ तो डिस्काउंट, ज़्यादा हुआ तो प्रीमियम। अब इन तीनों ही केस में हम किस तरह से एंट्री करेंगे, ठीक है, एंट्री समझना, अलग अलग केस में एंट्री करने का तरीका अलग है, क्योंकि हमें प्री पेमेंट का भी एडजस्टमेंट एंट्री के साथ करना होता है। नॉर्मल इशू करने की एंट्री तो आपको पता ही होगा, बट इशू के साथ अब हमें रिडेप्शन की भी एंट्री इंक्लूड करनी है। कैसे होगा, एक एक कंडीशन को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक समझ में बिल्कुल आ जाएगा, सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट केस क्या है, डिवेंचर इशूड एट 95, रीपेमेंट एट 100, 90 रुपीज़ में इशू किया गया मतलब डिस्काउंट में। तो पहले एंट्री हम क्या करेंगे, जब अमाउंट इशू किया जाता है तो डिवेंचर इशू किया जाता है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, तो पहले एंट्री करेंगे रिसीव करने की, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट, कितना रुपीज मिलेगा डिस्काउंट पे, इशू करते पैसा मिलेगा 95 रुपीज, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दोनों लिखते हैं क्योंकि एक साथ मिल रहा है एक ही एंट्री में, अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, दैट इज 95, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। नर से लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसी की सेकेंड एंट्री करेंगे हम ट्रांसफर करने की डिवेंचर्स अकाउंट में, उसकी एंट्री क्या करेंगे हम, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 रुपीज़। ये जो 5 रुपीज़ का डिस्काउंट है ना, वो ट्रांसफर में एडजस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, हमें 5 रुपीज़ पूरा करना है, तो 5 रुपीज़ जो कम पड़ा है वो डिस्काउंट का है, तो उसकी एंट्री करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट 100 रुपीज़, ठीक है ना, तो नेशन लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अकाउंट, ये हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। अब नेक्स्ट केस, केस नंबर 2,
सेकेंड केस डिवेंचर इशूड एट 95 रुपीज एंड रिपेबल एट 105। यहाँ पर डिस्काउंट है 5 रुपीज का और यहाँ पर प्रीमियम है 5। भाई 5 रुपये कम आ रहा है और 5 रुपये ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब जो टोटल लॉस हो गया वो 10 रुपीज़ का हुआ। तो जो टोटल लॉस होता है उसको एक साथ लिखा जाता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। सबसे पहले जो इशू करते वक्त जो पैसा आया उसकी एंट्री करेंगे और इसकी एंट्री होती है सेम बैंक अकाउंट डेबिट 95 रुपीज़ टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 95। ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसकी सेकेंड एंट्री करेंगे किसकी, ट्रांसफर करने की। करते हैं डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना है 95। अब मैंने अभी बताया, अब देखिए लॉस दो तरीके का लॉस डेबिट होता है। एक लॉस यहाँ पर हुआ पैसे कम आ रहे हैं, एक लॉस बता हो रहा है जब पैसे ज़्यादा जा रहे हैं। तो 5 और 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ का लॉस होता है। टोटल लॉस होता है ना डिस्काउंट का और रिपेमेंट का, दोनों को एक साथ लिखते हैं 10 रुपीज़ का लॉस। उसको लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर्स अकाउंट में कितने 100 रुपीज़, लेकिन 5 रुपीज़ का डिफरेंस है। पता है किस लिए, क्योंकि हमने डिस्काउंट की एंट्री तो इसके साथ एडजस्ट कर दी, बट जो प्रीमियम हो रहा है किसके लिए, रीपेमेंट का जो 5 रुपीज़, उसके लिए हमें प्रीमियम अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और रीपेमेंट के टाइम जो प्रीमियम होता है उसकी एंट्री करते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, देन लिखेगा ये एंट्री। जब भी रीपेमेंट में फेस वैल्यू से ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा होता है उसको हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में भी डालते हैं, साथ ही साथ क्रेडिट में प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर की भी एंट्री करते हैं। तो ये हो गया 5 रुपीज़, ठीक है ना। तो नरेशन क्या लिखेंगे, सेम डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अकाउंट, राइट। नेक्स्ट केस, केस नंबर थर्ड, आर डिवेंचर इश्यूड एट 100 रुपीज़ आर रिपेबल एट 105। डिवेंचर इशू किया पार में, कोई लॉस नहीं, लेकिन जब रीपेमेंट हो रहा है तो 5 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, क्योंकि रीपेमेंट का प्रीमियम है 100 प्लस 5 प्रीमियम है। तो जब 100 रुपीज़ आ रहा है तो 100 रुपीज़ की आने की एंट्री तो नॉर्मली खरीदेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 100 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपीज़, ठीक है, डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये होगी पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री में ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़, लेकिन जब रीपेमेंट होता है लॉस हो रहा है 5 रुपीज़ का। लॉस डेबिट होता है तो लॉस की एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने रुपीज़ का, 5 रुपीज़ टू डिवेंचर्स अकाउंट 100 रुपीज़,
और जो 5 रुपीज़ का जो लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है? क्योंकि हमने प्रीमियम दिया था। तो कौन सा प्रीमियम था? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 5 रुपीज। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब नरेशन, नरेशन बिल्कुल सिंपल नरेशन होता है इसका, दैट इज डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अकाउंट, राइट। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स रिलेटेड एंट्री होगी। क्वेश्चन नंबर 14, ए लिमिटेड इश्यूड 50 लाख 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपीज एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन अप्रैल 1, 2009, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 4% बाय ड्रॉ आर लॉट्स एज अंडर। देखिए 50 लाख डिवेंचर इशू हो रहा है 100 रुपीज़ के हिसाब से, जिसमें 6% का डिस्काउंट हो रहा है इशू का, साथ ही साथ जब रिडीम हो रहा है तब भी 4% का क्या हो रहा है, प्रीमियम दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है पैसा आ रहा है 6% के लॉस पे, डिस्काउंट पे, जा रहा है 4% के प्रीमियम पे, आना कम जाना ज़्यादा तो लॉस तो दोनों हो गया ना, 6 और 4 10% का लॉस हो गया। अब आगे कह रहा है कि रिडीम हो रहा है, रिडीम मतलब पैसे वापस हो रहे हैं किस हिसाब से, अलग अलग किस्तों के हिसाब से। जहां पर 20 लाख डिवेंचर वापस कर दिए 2011 में, 10 लाख डिवेंचर वापस कर दिए 2013 में, 20 लाख बचे हुए जो है वो वापस कर दिए 2014 में। हमें क्या करना है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ एन ईच ईयर टिल डिवेंचर्स आर पेड। आपको क्या करना है, जो भी डिस्काउंट था, जो भी लॉस था, कितने रुपीज़ का, ये 10% का, तो 50 लाख के ऊपर जो टोटल अमाउंट जो बनता है उसका जो लॉस कैलकुलेट होके आएगा, उसका जितना भी लॉस है हमें रिटर्न ऑफ करना है। हमें ये पता करना होगा हर साल कितना अमाउंट रिटर्न ऑफ होगा। देखिए जितना अमाउंट ड्यू होता है ना, रिटर्न ऑफ उस हिसाब से ही होता है। अब धीरे धीरे ड्यू हमारा कम होता जा रहा, क्योंकि 2011 में हमने 20 लाख का पेमेंट किया, तो 9 से 11 के बीच में 2010-2011 में हमारा अमाउंट कितना रहा, 50 लाख के साथ 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आल्सो प्रीवियर डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, हमें डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, कैसे करते हैं वो देखिए, थोड़ी कैलकुलेशन है छोटा सा, वो भी समझेंगे। थोड़ा ध्यान देना बेटा, वरना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपके। ठीक, सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा टोटल लॉस या डिस्काउंट कितना होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ये 6%, राइट। और दूसरा दिया जा रहा है प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडक्शन ये दिया जा रहा है 4%, यानी कि ओवरऑल लॉस कितना हो गया, टोटल लॉस 10% का। ठीक है, अब हमें ये पता करना पड़ेगा ये अमाउंट कितना, देखिए टोटल डिवेंचर इशू किया जा रहा है 50 लाख, एक डिवेंचर की कीमत कितनी है, 100 रुपये, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा यहाँ पर ये 50 करोड़। ठीक है, 50 करोड़ का 10% का लॉस हो रहा है, तो 10% कितना होता है, 5 करोड़, यानी कि टोटल लॉस अमाउंट कितना है, 5 करोड़। इस 5 करोड़ का हमें हर साल रिटर्न करना होता है, रूल होता है डिवेंचर इशू या प्रीडिशन का, जो लॉस होता है उसको हमें हर साल राइट अप करना होता है। राइट अप करने का भी तरीका होता है, सबसे पहले हमें ये पता करना है कितना कितना रिटर्न हो रहा है, क्योंकि पैसे वापस भी हो रहे हैं, जितना अमाउंट वापस होता है उसको छोड़ के बाकी अमाउंट के अकॉर्डिंग रिटर्न अप होता है। सबसे पहले एट द एंड ऑफ, एंड ऑफ मतलब हमारा जो ईयर होगा इशू करने से लेके रिटर्न अप तक, हर साल के ईयर में, क्योंकि पैसा वापस होता है एंड में, डिवेंचर आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट उस साल के बाद कितना आउटस्टैंडिंग रह जाएगा, और उसको रेशियो बनाएंगे। सबसे पहले 2009 में इशू हो रहा है, तो फर्स्ट हमारा जो एंड अप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मार्च 2010, कितना आउटस्टैंडिंग रहेगा यहाँ पर पूरा फुल, क्योंकि कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ है, 50 लाख डिवेंचर्स। ठीक है, उसके बाद
मार्च 2011 में वापस हो रहा है, यानी कि 11 तक 50 लाख ही था, अब जब वापस हो गया है तो 2012 आ गया। 2012 में 11 में कितने वापस चला गया, 20 लाख, तो बचा हमारे पास 30 लाख। 13 के लास्ट में जाके वापस हो रहा है, इसका मतलब 13 में भी इतना ही है, 30 लाख। अब यहाँ पर 10 लाख वापस चला गया 2013 में, तो बचा कितना, मार्च 2014 में हमारे पास अमाउंट बचेगा 20 लाख, और 20 लाख 14 के लास्ट में वापस चला जा रहा है, पूरा खत्म हो गया, क्योंकि अगले साल कुछ बचा नहीं, तो अगले साल हम कुछ नहीं करेंगे। इसको रेशियो में कन्वर्ट किया, सपोज जीरो कट गया, रेशियो कन्वर्ट करेंगे 5 5 3 3 2, और यहाँ कर लेंगे हम क्या, टोटल टोटल कितना बन रहा है, 18। यूं कहें हर साल जो रिटर्न अप होगा इस रेशियो में होगा, रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। अब कैसे कैलकुलेट, टोटल अमाउंट है पहले साल 5 करोड़, 5 करोड़ का फिफ्थ पार्ट हमारा रिटर्न अप होना है, यानी कि फिफ्थ अपॉन 18। कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 1,38,88,889 रुपीज़, कैलकुलेट करेंगे इतना आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर सेम अमाउंट है, ये सेम रेशियो है, मल्टीप्लाई 5 बाई 18, यहाँ पर 1,38,88,889, थर्ड ईयर, ठीक है ना, 5 करोड़ का थर्ड पार्ट, क्योंकि रेशियो आ रहा है 3, दैट इज 18, और ये अमाउंट आ जाएगा 83,33,333। नेक्स्ट ईयर भी सेम है, 5 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 18, सेम अमाउंट 83,33,333, और लास्ट ईयर 5 करोड़ का सेकेंड पार्ट, दैट इज 18, ये हो जाएगा 55,55,556। सबको ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट इतना ही आना चाहिए जितने का हमने पार्ट निकाला, दैट इज 5 करोड़, ठीक है, ये हो गया। हमें इतना इतना अमाउंट हर साल रिटर्न ऑफ करना है, और रिटर्न ऑफ करने के लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया, अब अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं। ये जो अकाउंट बनेगा इसको बोलते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। जो टोटल डिस्काउंट का अमाउंट है 5 करोड़, उसको लेके आइए डिबेंचर 2009 के अप्रैल फर्स्ट में, 2 डिबेंचर अकाउंट कितना हो जाएगा अमाउंट, 5 करोड़। अब एंड ऑफ द ईयर 2010 मार्च 31 में हम रिटर्न ऑफ करेंगे, और ये रिटर्न अप होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले साल कितना रिटर्न अप हो रहा है, 1,38,88,889, ठीक है ना। अब फर्स्ट ऑफ रिटर्न अप होने के बाद जो भी बचा वो जाएगा बाय बैलेंस सीडी, बस यही करते चलना है। यहाँ पर कितना अमाउंट बचेगा, 3,03,61,11,111, टोटल अमाउंट इज 5 करोड़, ठीक है, ये भी हो जाएगा 5 करोड़। पहला साल कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट ईयर ये जो बैलेंस बचा उसको ट्रांसफर करेंगे। एट फर्स्ट नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग डेट 2010 अप्रैल 1, टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस बीडी है, 3,61,11,111, क्लोजिंग ऑफ द ईयर 2011 मार्च 31। यहाँ पर भी रिपेमेंट करना है रिटर्न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, अमाउंट कितना है सेम 1,38,88,889, जो यहाँ पर डाला है ना कैलकुलेशन किया उसी की एंट्री करेंगे हम। अब इतना होने के बाद हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा, बाय बैलेंस सीडी बैलेंस बचेगा हमारे पास 2,22,22,222, तो टोटल बचेगा यहाँ पर 3,61,11,111। ठीक है, ये जो बैलेंस आया नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करेंगे
ओपनिंग, ओपनिंग क्या होगा? अप्रैल फर्स्ट टू बैलेंस बीडी 2,22,22,222, ठीक है ना। क्लोजिंग ऑफ द ईयर 2012 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कितना पेमेंट वो रिटेन अप होना है? अब अमाउंट रिटेन अप होना है 83,33,333। रिटर्न वर्क होने के बाद कितना बचेगा? बैलेंस सीडी माइनस कर दीजिए, बैलेंस बचेगा हमारे पास 1,38,88,889, 2,22,22,222 हो जाएगा हमारे पास टोटल अमाउंट। क्लियर। सेम सीडी लेके आइए नेक्स्ट ईयर 2012 अप्रैल 1 टू बैलेंस सीडी 1,38,88,889, क्लोजिंग ऑफ द ईयर दैट इज मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बैलेंस, कितना पेमेंट होना है? यहाँ पर भी रिटर्न ऑफ कितना होना है? सेम अमाउंट 83,33,333। और बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस बचेगा हमारे पास, माइनस कर देंगे तो इसमें से माइनस कर देंगे तो बच रहा है ये 55,55,556। टोटल कर देंगे 1,38,88,889। ट्रांसफर कर दीजिए नेक्स्ट ईयर। ठीक है, 2013 अप्रैल 1 टू बैलेंस सीडी 55,55,556। और लास्ट ईयर रिटर्न ऑफ इतना ही बचा हुआ टोटल अमाउंट 2014 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो अमाउंट बैलेंस बचा का सारा यहाँ पर रिटर्न ऑफ हो जाएगा 56। ठीक है, कुछ बैलेंस नहीं बचा यानी कि टोटल अकाउंट हमारा क्लोज हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हमारा हो गया। इसके बोलते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बिल्कुल सिंपल है, बस एक बार एंट्री करते चलेंगे उस पर, हर बार रिटर्न ऑफ करके पीएल, फिर बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी करते हुए चलेंगे। ठीक है, मेन कैलकुलेशन होता है आपका कि यहाँ पर हम किस तरह से रिटर्न ऑफ अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। देखना है कितना अमाउंट ड्यू बचा हुआ है, जिस साल पेमेंट हो रहा है उस साल पहले वाला अमाउंट लिखेंगे, उसके नेक्स्ट ईयर वो अमाउंट माइनस कर देंगे पेमेंट वाला, फिर इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, फिर रेशियो के अकॉर्डिंग हर साल जो डिस्काउंट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है उसको कैलकुलेशन कर लेंगे कितना कितना रिटर्न अप होना है। ठीक है, कोई भी डाउट रह जाता है ना अपने मन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।